तो दोस्तों फिर से एक बार आप सभी का वेलकम है एस आरजे मैथमेटिक्स पर। बहुत दिनों के बाद अपन मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपन अपना कक्षा 10 जो है उसकी प्रश्नावली 8.5 का क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है छठा सवाल। ये क्या है सवाल? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ये अपना एक सवाल है। इसको अपने को क्या करना है, इस साइड वाले को इसके जो है बराबर प्रूफ करना है। चलिए दोस्तों कैसे प्रूफ इसको करते हैं। ये जो पक्ष है कौन सा पक्ष है? बाया पक्ष लिखेंगे अपन। बाएं पक्ष में हर का परिमेयकरण। क्या दोस्तों? हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण का नाम आपने क्लास जो है अपनी नाइन्थ के अंदर भी सुना होगा। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं देखना ध्यान से। ये लगाया मैंने अंडर रूट जो दे रखा है उसको तो एक बार लिख देते हैं। जो दे रखा है उसको तो अपन एक बार लिख देते हैं। फिर क्या लगाते हैं? इनटू। इनको कोष्टक में बंद कर दूं मैं। जो दे रखा था उसको कोष्टक में बंद कर दिया अपन ने और यहां पर अंडर रूट लगा दिया पूरा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया। अब हर किसको बोलते हैं दोस्तों? नीचे वाली संख्या को। नीचे वाली संख्या रही 1 माइनस साइन ए। जो भी बटेवा में लिखा हुआ है उसका चिन्ह उल्टा करके ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो। नीचे क्या है? हर। हर नीचे वाली संख्या है, बीच में क्या है? माइनस। तो चिन्ह उल्टा करो यानी बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। 1 प्लस साइन ए और बटेवा में भी 1 प्लस साइन ए। ये हो चुका है, ठीक है सर। मैंने क्या कहा? जिसका परिमेयकरण कर रहे हो उसका चिन्ह उल्टा करके इनटू में ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो। तो सर यहां पर माइनस था तो माइनस का उल्टा क्या हो गया? प्लस। ऊपर भी 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है। यूं नहीं दोस्तों कि हर का मतलब ऊपर वाली संख्या को इनटू में लिख दो, है ना? ये इत्तेफाक से मिल गया, बाकी नहीं मिलता है। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे इस सवाल की। तो इस सवाल के अंदर जो है ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होगी। ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होगी तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो घात कितनी हो जाएगी सर इसकी? 2 होगी या नहीं होगी दोस्तों? क्यों? क्योंकि जो है सेम सेम है तो होल स्क्वायर बढ़ेगा नीचे। एक सर्वसमिका पढ़ी होगी आपने, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये होता है या नहीं होता है दोस्तों? ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जहां पर ए का मान तो क्या है दोस्तों? एक है, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर। फिर बीच में क्या आएगा? माइनस। और फिर क्या आएगा? बी का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर। एक बार अपन वापस इसको क्लियर समझेंगे ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, तो इसको वैसा ही चलने दो, होल स्क्वायर चल रहा है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर बटेवा, एक का स्क्वायर क्या होगा? एक। माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। आपने एक सर्वसमिका पढ़ी होगी सर, सर्वसमिका क्या सूत्र? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर? एक होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा दूं, पहले याद कर चलते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटेवा में आएगा कोस स्क्वायर थीटा। कैसे आया तो मैं आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है सर। हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का साइन स्क्वायर उधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आया या नहीं आया दोस्तों? आ चुका है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक होता है, प्लस के साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका मान होता है? कोस स्क्वायर का। तो ये रहा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका मान होता है? कोस का। तो ऊपर वाला तो एज इट इज और नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया कोस स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं देखना ध्यान से। लीजिए अब इसको अपन क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटेवा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और बटेवा में क्या है? कोस थीटा।
तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई अपन, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बचा क्या, वन प्लस साइन थीटा बटे वा कोस थीटा। दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं, एक के नीचे भी कोस को लिखो, तो एक बटे वा कोस थीटा प्लस साइन के नीचे भी किसको लिखूं, साइन के नीचे भी लिखूं कोस थीटा। आगे यहां तक समझ में, एक के नीचे भी कोस को लिख दिया और साइन के नीचे भी किसको लिख दिया, कोस को लिख दिया। तो सर आपको पता होगा, इसको तो मिटा दूं मैं, एक बटे वा कोस किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे वा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये देखिए आ चुका है अपना आंसर, हेंस प्रूव। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, एक बार अपन इस सवाल को वापस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए रूट वाले सवाल के अंदर, पहले तो मैंने आपको जो पहला सवाल करवाया था इसका, उसके अंदर तरीका बताया था कि अधिकतर सवालों को साइन कोस में चेंज करना है, पर ये सवाल पहले साइन के अंदर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको नया तरीका, तो अंडर रूट में सवाल आ गया, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हर का परिवेकण, हर मतलब देखना, जो स्टेप देके उसको तो वैसे वैसे लिख दिया, अंडर रूट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, हर मतलब नीचे वाली संख्या, जो भी संख्या है उसका चिन्ह उल्टा होकर परिमेयकरण होगा सर। तो माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है सर, ये प्लस हो चुका है। फिर ये वाली तो यू की यूई चिन्ह उल्टा होगा तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, तो वन प्लस साइन है ऊपर भी लिखना है और वन प्लस साइन है जो कहां पर लिखना है, बटेवा के अंदर भी आपको जो है बिल्कुल उसको लिखना है, तो ऊपर भी लिख दिया वन प्लस साइन है और बटेवा में भी लिख दिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होगी, नीचे वाली नीचे से गुणा होगी सर, तो ऊपर वाली गुणा होगी ऊपर वाली से, तो सेम संख्या है तो क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस बी की सर्वसमिका लग रही है, उसका आंसर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए मतलब पहली संख्या तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या साइन है तो साइन ए का स्क्वायर हो गया। ऊपर तो एज इट इज वो की वही लिख दी, एक का स्क्वायर एक माइनस माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ऊपर वाली यू की लिखी दोस्तों और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर ए का मैंने उत्तर आपको बताया था, वन माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या आता है, कोस स्क्वायर आता है और कोस स्क्वायर लिख दिया, थीटा की जगह मैंने जरा सा उल्टा लिख दिया है ना, सवाल के अंदर ए ए चल रहा था और मैंने थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये ए हो गया, इसका भी स्क्वायर है पूरे का, इसका भी स्क्वायर है, तो अपन इस दोनों को कोष्टक में बंद करके, दोनों को कोष्टक में बंद करके होल स्क्वायर लगा सकते हैं। फिर इधर ए चल रहा था ना, मैंने थीटा कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ए ए लगा दो, क्योंकि जो सवाल में ए चल रहा है तो ए लिखना पड़ेगा अपने को, ये लीजिए। फिर होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये बचा उसको लिख दिया, एक के नीचे भी कॉस को लिखा, साइन के नीचे भी कॉस को लिखा, एक बटे वा कॉस सेक होगा और प्लस साइन बटे वा कॉस क्या होगा, टेन होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, धन्यवाद।